आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में बेहतरीन जी का फीडबैक शेयर कर रहे हैं उनकी डॉक्टर रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन के साथ। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी टेनाइटिस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया। जी नमस्ते बेहतरीन जी, आपकी वीडियो आ गई। जी जी सर, शुरू करें। जी बेहतरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना फीडबैक देने के लिए। जी सर, आपकी उम्र कितनी है? 23 साल। और आप कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं बुलंदशहर। अच्छा सर, कब से आपको टेनाइटिस का प्रॉब्लम था और कुछ कारण पते कैसे शुरू हुई? मैम मेरे को जो 10-11 महीने हो गए, 10-11 महीना हो गए टेनाइटिस की प्रॉब्लम को। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था अपनी सर्जरी। अच्छा, तो उसके बाद में मेरे को प्रॉब्लम बन गई। फिर एक दिन मेरे को जुकाम भी हो गया था ज्यादा। ठीक है, तो आपको इस आवाज की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती थी? मैम दिक्कत तो बहुत सारी होती थी। इससे जो है आदमी का वो रहता है ना, वो गिरा हुआ रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता था। और सबसे ज्यादा मैम मेरे कान में जो हैवीनेस थी ना, वो ज्यादा दिक्कत कर रही थी। इतनी आवाज से भी मुझे प्रॉब्लम नहीं जितनी हैवीनेस है। क्योंकि एक प्रेशर फील होता था मैम। ठीक है, मेरी लाइफ और क्वालिटी बहुत खराब चल रही थी। ठीक है, तो अब तुम्हारी दुआ से मैं बहुत अच्छा हूँ, 100% मैं ठीक हूँ। मैंने थेरेपी भी नहीं ली 2 दिन से। मैं इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म है, आपकी मैं काफी बहुत अच्छा हूँ 100%। चलिए बहुत ही अच्छी बात है सर, ये जान के भी बहुत अच्छा लगा कि अब आप पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। हमारे ट्रीटमेंट से आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं मैम, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये यूट्यूबर जो रहते हैं उल्टी सीधी बात बनाते हैं कि कहीं इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कहीं ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके क्लिनिक पर जाए, इसका इलाज है 100%। ये जो ये यूट्यूबर रहते हैं ना, नेगेटिव बात बोलते हैं कि जीना पड़ेगा, इसके सहारे ऐसा है वैसा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इसका भी इलाज है। जी तो आपको जैसे पता है कि आप ठीक हो गए हैं, और आपके आपकी उम्र के भी लोग हैं, आपसे हम उम्र के भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, और आपसे ज्यादा उम्र के भी लोगों को प्रॉब्लम है, तो क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ मैम, मैं तो ये बोलता हूँ कि डॉक्टर स्पेक्ट्रा क्लिनिक पर जाएं, और अपना जिसको भी ये परेशानी है टिनाइटिस की, अपने यहीं से ही फायदा होगा मैम। क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से, ज्यादा भी नहीं तो जो बुलंदशहर में अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने उनसे दवा लिया है। एक दिल्ली भी मैं मैडम थे, उनसे भी लिया। मुझे कोई मेरे कान में जरा भी हैवीनेस कम नहीं हुई। जी जी, अब तो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का धर्म करम से। आपकी दुआ है, आऊंगा किसी दिन प्रीत विहार में, तो आपको मीठा खिलाऊंगा। मैंने कही थी कि इंशाल्लाह मेरा काम सही हो गया, आपको जब आऊंगा भी थोड़ा बिजी हूँ। कोई बात नहीं, सब मीठे की तो बात नहीं है, आप ठीक हो गए हैं, यही बहुत अच्छी बात है, और हमारे लिए भी अच्छी बात है सर कि आपको हम ठीक कर पाए। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना फीडबैक देने के लिए। सर क्या मैं आपका फीडबैक यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट को अवेयरनेस देने के लिए? जी क्या मैं आपका ये फीडबैक यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? हाँ डाल दो फीडबैक तो यूट्यूब पर, लेकिन थोड़ा वो कर देना। क्या सर? अच्छा फेस ब्लर करना है आपका। ठीक है सर, मैं फेस ब्लर करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सर। मैं कह रहा हूँ 100% मुझे फायदा। मैम जैसे कि अभी ये थेरेपी लेनी है या नहीं? अभी सर अगर आवाज आ रही है तो लेना है, आवाज नहीं आती तो नहीं लेना है। अच्छा मान लो जैसे आवाज नहीं आती तो ये